बात करें तो तुम्हें किस तरह का सिनेमा पसंद है? देखो, ऐसा है, सिनेमा मेरे लिए एंटरटेनमेंट है, तो अगर मैं मूवी देखकर बाहर आ रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुश होते हुए बाहर आऊँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए ना सिनेमा में भावनात्मक पक्ष होना बहुत इम्पोर्टेंट. यानी कि सिनेमा ऐसा होना चाहिए जो आपके दिल को छू जाए, है ना, और आपको सोचने पर भी मजबूर करे, और सोचने पर मजबूर ही ना करे बल्कि आप जब उसे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सोचने के ना नए आयाम भी मिलने चाहिए. हाँ, बिल्कुल. मेरे लिए वो सिनेमा है. ठीक है सत्या, तो आज हमारा शो इसीलिए भी बेहद खास है क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे मेहमान उपस्थित हैं जो तुम्हें चाहिए उनकी फिल्मों में वो सब होता है, चाहे वो वंस अगेन हो, द शेफर्डेस एंड सेवन सॉन्ग्स हो, निम तो हो, या फिर गर्ल्स विल बी गर्ल्स, को कैसे भूल सकते हैं. तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान प्रोड्यूसर संजय गुलाटी जी से. संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका. नमस्ते सर. थैंक्स अ लॉट फॉर inviting me. I'm very happy. सर, सबसे पहले तो मैं गर्ल्स विल बी गर्ल्स पर ही बात करना चाहूंगी. उसके आप डेलीगेट प्रोड्यूसर हैं और अभी ही हाल ही में उसको दो अवार्ड्स भी मिले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उसके विषय में कुछ बताइए. गर्ल्स विल बी गर्ल्स, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि आज से शायद 3 दिन पहले ही हम सनडांस फिल्म फेस्टिवल US पार्क सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं खुद था. तो इस फिल्म को दो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, जो कि ऑडियंस अवार्ड है और दूसरा हमारी लीड एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है, तो बड़ी खुशी की मेरे लिए, मेरे ग्रुप के लिए या मेरी टीम के अलावा, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए भी एक, क्योंकि सनडांस बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत ही बेहतरीन फेस्टिवल है. और पिछली बार की एक डॉक्यूमेंट्री जो वहाँ से शुरू करती है और ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, तो सनडांस इसलिए बहुत क्रूशल है. तो मैं भी बहुत खुश हूँ वापस आने के बाद. सर, ये क्या, ये मतलब ऐसा मैं पढ़ रही थी, आई डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, कि क्या ये पहली इंडियन फिल्म थी जो सनडांस फेस्टिवल में से? नहीं, ऐसा नहीं है. सनडांस में अक्सर फिल्में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, पर हाँ, अच्छा. इस बार की फिक्शन की अकेली फिल्म थी. ओके, हिंदुस्तान से. हाँ, दैट्स फाइन. गर्ल्स विल बी गर्ल्स. तो अगर बात करें आपकी फिल्मों की, जब आप फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास उस फिल्म का जो प्रपोजल है वो आता है, या तो आप फिल्मों का चुनाव कैसे करते हैं, क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए उस फिल्म में? चुनाव तो बेसिकली, तो खैर कंसेप्ट ही इम्पॉर्टेंट होता है कि किस किस बात को वो फिल्म कहना चाहती है, वो कितना ज़मीन से जुड़ी हुई है, सच है या सतह पे तो नहीं है, मतलब वो वाली एक बात होती है शायद सबसे ज़रूरी ये होती है. और फिर उस इंसान ने जिस फिल्म के बारे में वो बात कर रहा है या जो चाहता है वो बनाना, उस इंसान का पीछे का काम क्या है, क्या वो उस कंसेप्ट को जो बेसिकली आइडिया है उसको कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई बार स्क्रिप्ट अच्छी हो सकती है पर उसको कन्वर्ट करना एक दूसरी आर्ट है, मतलब राइटर और डायरेक्टर, तो वो भी ज़रूरी है. उसका पीछे का काम थोड़ा आइडिया देता है कि तो वो है. और फिर एक डिस्कशन का दौर शुरू होता है, बातचीत करने का, एक दूसरे को जानने का, मतलब डायरेक्टर के साथ जानने का, क्या उसके विचार हैं, किस तरह का सिनेमा उसको पसंद है. तो इस तरह से ही शायद रास्ते खुलते हैं और मतलब इसी तरह से हम पहुंचते हैं कि ये फिल्म करना चाहता हूं मैं, या मतलब मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और वाकई दिल से बात कर रही है या नहीं, वो शायद सबसे ज़रूरी बात है. क्योंकि शायद अभी भी व्यवसाय मेरे लिए नहीं है सिनेमा, बिकॉज आई हैव समथिंग एल्स टू डू फॉर माई ब्रेड एंड बटर. सो आई वॉन्ट टू कीप द थिंग्स प्योर, देन ओनली आई होप विल बी एबल टू परस्यू. वही कोशिश जारी है. कौन सा ऐसा फिल्म है, मतलब सिनेमा है, जो आपके दिल को छूता है, और किस तरह का वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपको लगता है कि हाँ, क्या देखते हैं आप सब्जेक्ट में? तरह तो मैं क्या बोलूँ, सिनेमा अच्छा अच्छा होता है और ख़राब होता है, यहीं आके नए नाम मिल गए हैं कि कोई आर्ट हाउस बोलता है, किसी को कमर्शियल बोलता है. मेरे ख्याल से फिल्में बात करती हैं आपके दिल से, जो आपसे कनेक्ट होती हैं, और वही अच्छी फिल्में होती हैं. तो हर जोन में होती हैं, हर जॉनर में होती हैं. जैसे मैं अक्सर बोलता भी हूँ, अगर मैं मेन स्ट्रीम की बात करूँ तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिसपे हम बड़े हुए हैं, सब अमिताभ बच्चन की फिल्मों पे बड़े हुए हैं, तो कमाल की फिल्में रही हैं. ठीक है, वक्त के साथ हमारी खुद के चाहते हैं और पसंदें बदलती चली जाती हैं. और पर जैसे मुन्ना भाई जैसी फिल्म है, या मैं पीछे की बात करूँ, गर्म हवा जैसी कमाल की फिल्म है, अमिताभ बच्चन की दीवार जैसी फिल्म है, तो ये सब फिल्में हमको बहुत बहुत प्रेरित करती रहीं. और इस तरह से तारे ज़मीं पर एक बेहतरीन फिल्म है जो आमिर खान ने कमाल की फिल्म बनाई है,
तो ये वो सिनेमा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप का कमाल का सिनेमा है। तो ये वो सिनेमा है जो जो मुझको प्रेरित करता रहा और लगता था कि और फिर कुछ को मैं बहुत क्रिटिसाइज भी करता था, तो हाँ। लगता था कि अब बहुतों को बुरा भला बोल लिया, व्हाई नॉट टू कम आउट एंड टू टेल माई ओन स्टोरीज जो मुझे पसंद हैं, रादर देन क्रिटिसाइज करने की बजाय अब वो कहानियाँ कहने की कोशिश की जाए जो जिन पे मैं विश्वास रखता हूँ। तो ये वो फिल्में हैं जो जो थोड़ी बहुत फिल्में मैंने तो करी हैं, वो मेरी पसंद की दिल इस लाइन में। सर आप कैसे, जैसे आपने कहा आई हैव माय डिफरेंट थिंग्स फॉर माय ब्रेड एंड बटर, yes, तो ये किसी हाँ। आपका सिनेमा का शायद एक फॉर्मल बैकग्राउंड भी नहीं है कि आपने किसी फिल्म से कुछ किया हो। मैंने कोई बिल्कुल कोई एजुकेशन नहीं है हाँ, और वो नहीं है, पर मेरे को लगता है कि सिनेमा जब दुनिया में भी आया होगा तो उनके पास कोई फिल्म स्कूल से नहीं आए होंगे लोग, पर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि फिल्म स्कूल डेफिनेटली आपको ट्रेंड करते हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मैं क्योंकि दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी जगह है जहाँ पे बहुत ही कमाल की जगह समझता हूँ, जो 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 भी थोड़ा बहुत आर्ट के बारे में जानता हूँ वहीं से सीखा हूँ, तो वहीं एक अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सिनेमा की कोई वर्कशॉप हो रही थी, तो पहले तो घबराहट हो रही थी कि कुछ गहरी बातें होंगी, पर खैर हिम्मत करके मैं गया और शायद वही 2011-10 के आसपास करीब वो चीज़ें शुरू हुई, और फिर लगा कि अब दिल्ली में तो शायद और आगे नहीं हो सकता अगर सिनेमा करना है, क्योंकि कोई भी सिनेमा की बात करता था दिल्ली में तो मैं उसके पैर पकड़ लेता था कि यार कुछ और बता दो। बट देन आई रेड सम ग्रेट आर्टिकल्स अबाउट एक फिल्म बाज़ार होता है जो जो गोवा में इफ़ी के साथ होता है, तो उसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ा मैंने, और आई एक मैगज़ीन आती थी उसके कवर पेज पर फिल्म बाज़ार के बारे में था, शुभ्रा गुप्ता जी ने लिखा था, तो लगा कि फिल्म बाज़ार वो जगह है जो शायद जिस तरह का सिनेमा मुझको पसंद आ रहा है या जो वो है वो वहाँ एक मिलने का एक प्लेटफॉर्म होगा। सो दैट वॉज द प्लेस आई थिंक जहाँ से मेरा सिनेमा की एक जानकारी एजुकेशन या शुरू हुई, और पहली फिल्म का एसोसिएशन 2013 में फिल्म बाज़ार में ही एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ मुलाकात, पुष्पेंद्र सिंह उनका नाम है, तो उनकी पहली फिल्म लाजवंती थी जो कि अपनी मतलब रफ कट, कहने का मतलब है कि फिल्म शूट हो चुकी थी पर उसको फिनिश करने के लिए या पोस्ट प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं उसके लिए फंड्स की ज़रूरत थी, तो मेरे को वो बहुत पसंद आई क्योंकि रफ कट मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये शायद वो फिल्म है जिस तरह का सिनेमा मैं खुद करना चाहता हूँ या अपनी मेरे बस का नहीं है पर इन जैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसा सिनेमा किया है। तो उस फिल्म में मैंने गैप फाइनेंसिंग के थ्रू मैं उस फिल्म में एसोसिएट हुआ, काइंड ऑफ ही वाज काइंड एनफ दैट ही गेव मी दी क्रेडिट ऑफ प्रोड्यूसर इन दैट फिल्म, एंड खुशकिस्मती ये रही कि वो फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई। तो जैसे शायद आपको लग रहा होगा कि बर्लिन तो एक शहर ही है तो क्या बड़ी बात है, तो मैं भी लिए भी ऐसा होता था कि मैं बोलता था कि फ्रैंकफर्ट वाला फेस्टिवल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारी फ़्लाइट्स तो फ्रैंकफर्ट जाती हैं, हमारी बर्लिन तो जाती नहीं है। तो फिर धीरे धीरे इन अच्छी सोहबत में जो लोग अच्छा सिनेमा कर रहे हैं जो भी है तो उनकी सोहबत में समझ में आने लगा कि फिल्म फेस्टिवल्स के, आज हमने अभी सन डांस की बात करी या कांस एक छोटी सी जगह गोवा जैसी जगह है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, या इसी तरह से बर्लिन दुनिया का ए लिस्ट ए मतलब टॉप फेस्टिवल्स में क्यों है। तो एक लोग बोलते थे कि जिंदगी हाँ ख़त्म हो जाती है और बर्लिन में फिल्म नहीं आती और तुम्हारी पहली फिल्म बर्लिन में, तो उसके मायने समझ में आने लगे। और तो अभी आपने सनडांस की बात की तो गर्ल्स विल भी गर्ल्स की कुछ झलकियां हमारे पास हैं दर्शकों के साथ देखना चाहेंगे। प्लीज 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 एज अ स्टूडेंट ऑफ माय स्कूल आई प्लेज टू ऑनर आवर एज ओल्ड इंडियन कल्चर एंड लिव अकॉर्डिंग टू इट। दिस इज द करेक्ट लेंथ यूनिफॉर्म्स टू योर नीज। It shall be my constant endeavor to abide by the rules of my school. Be careful with boys. Don't talk to them more than necessary. Are you jealous? No one interested me ever. Who's this? तो सर जैसे कि द शेफर्डेस एंड सेवन सॉन्ग्स मैंने उसके बारे में भी थोड़ा सा देखा जी, तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि उसकी स्टोरी ने किस तरीके से आपको ऐसे ये करने के लिए ऐसे शेफर्डेस एंड सेवन सॉन्ग इसका अंग्रेजी नाम है। इसका बेसिकली कश्मीर में शूट हुई है। इसका हिंदी बोलूं या गोजरी भाषा में शूट हुई है, गोजरी प्लस हिंदी। तो जो नाम हिंदुस्तानी नाम है उसका लैला और सत गीत, सत मतलब सेवन को सत मतलब गोजरी में सात को सत, तो सत गीत। तो पुष्पेंद्र सिंह ने जिसकी मैंने लाजवंती की बात करी
ये भी पुष्पेंद्र सिंह के साथ मेरी चौथी फिल्म थी, तो मतलब एसोसिएशन पहली फिल्म लाजवंती से हुआ, और खुशकिस्मती है कि ये भी बर्लिन में बहुत ही रिप्यूटेड सेक्शन में प्रीमियर हुई, मतलब वो भी बर्लिन में थी, ये भी बर्लिन में थी। शुरुआत ये एक राजस्थान के बहुत ही फेमस राइटर हैं विजयदान देथा जी, वो बहुत ही कमाल की शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं राजस्थान की, तो उनकी एक कहानी है केंचुली, उस पर आधारित फिल्म है जिसको हमने अडाप्ट किया कश्मीर में, वो राजस्थान के संदर्भ में लिखी हुई कहानी थी और इसको हमने कश्मीर में पुष्पेंद्र ने लिखा, और बहुत ही क्या बोलूँ, बड़ी कमाल की आप उसका बैकग्राउंड और वो सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, अगर आपने फिल्म देखी है या मौका लगे तो देखिए। तो इस तरह से शुरुआत हुई और केंचुली वो बहुत पसंद थी मुझे कहानी, तो कन्वर्ट हुई और लोगों ने बहुत पसंद करी है, और जैसे बर्लिन में थी और काफ़ी अवार्ड्स इस फिल्म की वजह से, काफ़ी पुष्पेंद्र की बेहतरीन फिल्म मानी जाती है उन लोगों के लिए। तो ये एक रहा एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल के बेहद करीब है जिसे आपने प्रोड्यूस किया है, वो है वंस अगेन, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। तो इस फिल्म को आपने कैसे चुना और क्या कहानी है इस फिल्म के मेकिंग के पीछे? वंस अगेन शायद क्या बोलूं कि लोग कहते हैं कि अलग अलग बच्चों में सब बराबर होते हैं, पर वंस अगेन मेरे भी बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब की फिल्म है, और इस तरह का सिनेमा है जो जो एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, डजंट मीन के और नहीं, पर ये वो सिनेमा है जो सिर्फ सिनेफाइल्स तक, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट सिनेमा तक ही नहीं रह जाता, ये वो दीवार को तोड़ता है और आम ऑडियंसेस, जैसे आपने मुझे बोला कि आपको बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया, मुझे लगता है कि शेफाली जी शाह जी का बहुत ही बेहतरीन काम है इस फिल्म में, और नीरज कभी भी बहुत ही कमाल हैं। तो कर्नवल सेठी एक बेसिकली हिंदुस्तानी पर जर्मन सिटीजन है, तो उन्होंने डायरेक्ट करी थी ये फिल्म, और ऐसी फिल्म बाज़ार, फिर से तो बोल रहा हूँ, फिल्म बाज़ार में ही मुलाकात हुई और ये हुआ। और मुझे याद है वो रात जब मैंने पहली बार इसका रफ कट देखा, और शेफाली को रात को 2 बजे मैंने बोला, क्योंकि तब तक शेफाली जी ने भी वो फिल्म नहीं देखी थी, तो उन्होंने बड़ी खुशी हुई कि ऐसी कहाँ देख ली तुमने फिल्म और कैसे हो गया, और इस मतलब अभी तो पोस्ट में है फिल्म, सो आई वाज सो हैप्पी। एंड शेफाली जी को भी बहुत अच्छा लगता है कि हमने सब ने दिल से फिल्म बनाई, और मेरे ख्याल से उनकी मेरी पसंदीदा फिल्म है, मेरे को लगता है नीरज कावे की भी बेहतरीन फिल्म है, और क्योंकि ये दिल से बनाई हुई फिल्म है इसीलिए सभी के दिल को छूती है। सही बात। और अगर नहीं देखी है तो बिल्कुल ऋचा तुम्हें भी ये फिल्म देखनी चाहिए, इट्स अ मास्टरपीस, ब्यूटीफुल। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, मतलब मैं खुद भी मानता हूँ, मैं ओजू एक बहुत ही प्रसिद्ध जापानीज सिनेमा के बहुत ही नामी गिरामी डायरेक्टर रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओजू की टोक्यो स्टोरी या उस तरह, मतलब उस जोन की फिल्म है, मैं कहीं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मतलब उस तरह का सिनेमा मैं कहना चाहता हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ देखें, अपने कमेंट करें, अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो मोस्ट वेलकम, पसंद आए तो भी बोलें, ये आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस बेहतरीन फिल्म के साथ जुड़ा हूँ, खुशी है मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी कि आप यहाँ आए गुड मॉर्निंग शो में हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, और आपके सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, इट्स माय प्लेजर टू बी विद यू, थैंक यू वेरी मच।